नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल हैशटैग प्रो में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं विभिन्न प्रकार के टॉपिकों से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं, और जिसमें कि हमारे सभी सनातनी मंदिर जो कि विदेशों में चाहे स्थित हो, चाहे अपने देश में स्थित हो, या कोई ऐसी परंपरा जिसके बारे में हमारी शिक्षा पद्धति में नहीं बताया गया और जो हमारे सनातन धर्म में बहुत मान्य होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी शिक्षा पद्धति में उनको नहीं बताया जाता, उसको हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और आज हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं पंडित नितिन शुक्ला जी, जो कि शास्त्री साहित्याचार्य हैं और पीजी डिप्लोमा योग से द्वारा किया हुआ है और एमए है धर्मशास्त्र ज्योतिष पर कर्मकांड के द्वारा, और जगतगुरु शंकराचार्य जी जयेंद्र सरस्वती जी के द्वारा भी सम्मानित हैं। तो आज हम जो बात करेंगे, आज जो हमारा टॉपिक बात करने का रहेगा, वो ये रहेगा कि आपको जिस प्रकार से पता होगा कि अभी गणपति महोत्सव आने वाला है और पूरे देश में यह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन उसको मनाने के पीछे क्या राज है, या उसको क्यों हमें मनाना चाहिए और क्यों नहीं मनाना चाहिए, इसका कारण आज हमको हमारे सामने पंडित जी आपको बताएं। हमारी बात चल रही थी तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, और जैसे कि हमारे दर्शक लोग भी जानने के इच्छुक हैं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आखिर गणपति जी का विसर्जन ना करने के पीछे क्या कारण है, या ऐसा क्या कारण है कि हमें नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा आप हमें अपने शब्दों में थोड़ा दर्शकों को बताएंगे। जी बिल्कुल। देखिए, गणेश चतुर्थी का जो ये पर्व है हर वर्ष लोग मनाते हैं। गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ था गणेश चतुर्थी के दिन, और जो ये विसर्जन की एक गलत परंपरा प्रारंभ हो गई है हमारे भारत वर्ष में, और धीरे धीरे फैलती हुई विदेशों तक में जो हमारे भारत के लोग रहते हैं, NRI रहते हैं, वे तक विसर्जन करने लगे। वास्तविकता इसके विषय ये है कि गणेश जी हमारे विघ्न विनाशक हैं। जैसे कि धर्मशास्त्रों में हमारे श्लोकों में कहा है कि गजाननम बुध गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचाल भक्षण उमा सुतम शोक विनाशकार्थम। तो गणेश जी जो है शोक को विनाश करने वाले हैं, विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले हैं, और धर्म में रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। आमतौर पर जब हम पूजा पाठ करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, घर में कोई भी देवी देवता की जब पूजा करते हैं किसी भी पर्व पर, तो उसमें हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश जी आप आइए और हमारे द्वारा की हुई पूजा से आप संतुष्ट हों और सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं को दूर करें। साथ ही जब पूजा वो समाप्त हो जाती है तब प्रार्थना करते हैं कि लक्ष्मी गणेश जी हमारे घर में सदा निवास करें और अन्य सभी आवाहित देवी देवता सभी अपने अपने स्थान को जाएं। तो कभी भी गणेश जी का विसर्जन नहीं करते, क्योंकि गणेश जी सुख समृद्धि को देने वाले हैं, और यदि हमने उन्हीं का विसर्जन कर दिया तो हमारे घर में सुख समृद्धि का भी विसर्जन हो जाएगा। तो ये एक गलत परंपरा प्रारंभ हो गई है जिसको नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमने हमारे भाई साहब ने इसके विषय में पूछा कि गणेश जी का विसर्जन क्या वाकई में करना चाहिए। तो हमारे हिसाब से, धर्मशास्त्रों के हिसाब से, गणेश जी के विसर्जन के लिए किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि गणेश जी का विसर्जन करना चाहिए। हाँ, इसके अलावा शिव जी का पार्थिव शिवलिंग पूजन होता है, उसमें विसर्जन होता है। दुर्गा जी की, काली की पूजा होती है, दुर्गा जी की पूजा होती है, उसका विसर्जन होता है। लेकिन एक गणेश जी एक ऐसे देवता है जिनका कभी भी विसर्जन नहीं होता और ना ही होना चाहिए। तो उसके कई सारे कारण है। एक तो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसका मैंने आपको बताया, दूसरा एक जो गलत परंपरा प्रारंभ हो गई है कि गणेश जी की प्रतिमाएं लोग लाते हैं चतुर्थी के दिन, 10 दिन तक रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं और आखिरी में उसका विसर्जन करते हैं। दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जो गणेश जी की जो प्रतिमा होती है आजकल जो बाजार में जो मिलती है बहुत ही कम मूल्य पर मिलती है, और लोग जो है सस्ते के चक्कर में उसको ले लेते हैं, वो होती है POP की, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट सीमेंट, सफेद प्रकार का एक सीमेंट होता है, उसमें गणेश जी की प्रतिमा जो बनाते हैं बहुत सस्ती बाजार में बिकती है, लोग उनको लाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और फिर आखिरी में विसर्जन कर देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रतिमाएं गंगा आदि जो जितनी भी नदियां हैं उनमें विसर्जित होती हैं। ये एक प्रकार का केमिकल है, वाइट सीमेंट है। यदि हम इसको गंगा जी में डालते हैं तो वो जितने भी जलीय जीव हैं, मछलियां हैं और भी जो जीव जंतु जो नदियों में रहते हैं उनको उनकी मृत्यु तक हो जाती है, अनेक प्रकार की परेशानियां उनको हमारे द्वारा उत्पन्न हो जाती है। तो क्या आप चाहेंगे कि एक तो आप अपने सुखों का विसर्जन कर रहे हैं गणेश जी के साथ, दूसरा जो जलीय जीव हैं, जो हमारे पूजे भी हैं, मछलियां हैं, एक प्राकृतिक जो चीजें हैं वो नष्ट होती जा रही हैं, तो इस कारण से गणेश जी का विसर्जन नहीं करना चाहिए। हाँ, अब लोग कहें कि हम तो मिट्टी की बनाते हैं, मान लिया आपने गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाई, लेकिन उस पर जो कलर्स हैं, उस पर जो रंग हैं, वो तो केमिकल के हैं, तो वो क्या हानि नहीं पहुंचाएंगे, वो भी हानि पहुंचाएंगे।
सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे शास्त्रों में कहीं भी गणेश जी का विसर्जन लिखा ही नहीं है। जब गणेश जी का विसर्जन होता ही नहीं है तो हम क्यों करें, क्यों इस गलत परंपरा को प्रारंभ करें, क्यों हम ऐसे कार्य को करें जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी भी अपने माथे पर हाथ मारे कि अरे ये क्या कर दिया हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो गणेश जी का विसर्जन करते हैं। तो दोस्तों, ये जो गणेश जी का विसर्जन है बिल्कुल भी नहीं करें। यदि कोई करता है तो पाप का भागी होता है, दोष का भागी होता है और उसके घर में जो सुख समृद्धियां आने वाली है वो भी चली जाती है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि जो चीज शास्त्रों में निषेध है उसको नहीं करें, नहीं करें, नहीं करें। धन्यवाद। जैसा कि अभी आपको हमारे पंडित जी ने बताया कि गणेश जी का विसर्जन आखिर क्यों नहीं करना चाहिए, उसी में अभी हमने जो जानकारी प्राप्त की उसके मुताबिक हमें यह भी पता चला कि पंडित बाल गंगाधर तिलक जी का भी गणेश विसर्जन से कुछ लेना देना है। अब उसके बारे में हम पंडित जी से आग्रह करेंगे कि अगर वो जानते हैं तो हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि हमें भी संपूर्ण रूप से नहीं पता। और पंडित जी से मेरी एक दिन बात हुई थी तो पंडित जी ने इस बात का वर्णन हम लोगों से किया था, तो मैं चाहूंगा कि अपनी इस बात को भी वो लोगों के पास ले जाएं। तो हमारे पंडित जी सागर जी, जैसे आपने मुझसे पूछा कि गणेश जी का विसर्जन और श्री बाल गंगाधर तिलक जी का इस कार्य में विसर्जन में क्या संबंध है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय भारत देश की आजादी का समय चल रहा था तो उस समय हमारे पूज्य श्री बाल गंगाधर तिलक जी जो इस स्वतंत्रता की लड़ाई में अग्रसर थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे अपने भारत वर्ष की आजादी के लिए। तो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश लोग भारतीयों को बहुत परेशान करते थे, कोई भी बात 5-7 व्यक्ति इकट्ठे होकर भी नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में उनको मन में एक बात आई कि क्यों ना हम एक ऐसा कोई धार्मिक आयोजन करें जो 8-10 दिन तक चलता हो और उस पे हम लोगों को जागरूक करें धर्म के लिए नहीं बल्कि अपनी स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए। तो उनको एक मौका मिला कि गणेश चतुर्थी जिसमें गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ, उन्होंने एक धार्मिक आयोजन किया और उसमें गणेश जी की प्रतिमा को लाए और उसको स्थापित किया और उसका प्रचार प्रसार आसपास के नगरों में कर दिया जिससे कि लोग अधिक से अधिक आए। और उसके अनुरूप जब धार्मिक हमारे मन में, हमारे तन में एक धर्म की भावना है, हम हिंदू लोग धर्म को बहुत मानते हैं और उसी को आदर करते हुए वो सारे लोग उसमें इकट्ठे हुए और उन्होंने उस धर्म की आड़ लेकर लोगों के अंदर जो है स्वतंत्रता की भावना जागृत की इस आयोजन के द्वारा। और इसीलिए ये आयोजन करने का उद्देश्य था कि लोगों को अधिक से अधिक इकट्ठा करें आजादी के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए लोगों को जागरूक करें। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण था कि अंग्रेज लोग, ब्रिटिश लोग इसको समझ ना पाए कि हिंदू लोग ये क्या कर रहे हैं, वो समझे कि ये एक पूजा पाठ चल रही है और ऐसा ही उसके अनुरूप, उनकी सोच के अनुरूप ऐसा ही हुआ। अनेक लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने आजादी के विषय में एक जागरूकता, श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने जागरूकता लाए और उन्होंने अपनी बातों से, अपनी स्पीच से लोगों को जागृत किया और अंग्रेज लोग जो है समझ नहीं पाए। और कुछ एक स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था उसमें कुछ एक दखीरा था वेपन्स का जो आजादी में प्रयोग हो रहे थे, कुछ क्रांतिकारी लोग जो है उनका प्रयोग कर रहे थे। अब इतनी सत्ताई थी कि वो सब जा नहीं सकता था एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो उन्होंने क्या किया कि गणेश जी की प्रतिमा के अंदर उन वेपन्स को, उन जो स्वतंत्रता संग्राम में जो यूज होने थे, प्रयोग होने थे, उनको उसके अंदर रखा और एक विशाल का जुलूस, एक शोभा यात्रा निकाली और उसको जो है जो गंतव्य था जहां पर उनको पहुंचाना था वहां पर उन्होंने पहुंचाया और अंग्रेज लोग इस चीज को समझ नहीं पाए। तब से महाराष्ट्र में, ये सन 1900 के आसपास की बात है, 1900 या 1904 के आसपास की बात है, तब से ये कार्य प्रारंभ हुआ। पहले एक सूक्ष्म रूप में ये एक परंपरा बन गई और परंपरा बनते 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 ये एक पूरे भारतवर्ष में फैल गई और ये भारतवर्ष में ऐसी फैली कि अब इसका दुरुपयोग होने लगा है। कैसे? प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमा के द्वारा। कैसे? लोग विभिन्न आयोजन करते हैं, धर्म की आड़ लेकर अनेक पार्टियां करते हैं, अनेक आयोजन करते हैं, एक कमाई का धंधा बना लिया है लोगों ने, जबकि हमारे भगवान जी, हमारे श्री गणेश जी लोगों के दुखों को दूर करने वाले हैं। आज वे खुद पीड़ित हैं, खुद दुखी हैं, तो आपसे विनय है, विनम्र निवेदन है मेरा कि विसर्जन को ना कहें। और गणेश जी का विसर्जन जब होता ही नहीं तो आप ऐसे कार्य क्यों करें जो आपके घर में और विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो जाएं। आपने यदि अपने विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले जो गणेश जी है उनको विसर्जित कर दिया तो कैसा होगा आपके लिए, आप खुद ही सोचें, समझें और फिर उसका निर्णय लें। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी चीज यदि बंद करते हैं या नहीं करने का निर्णय लेते हैं तो लोग कहते हैं कि करे क्या, वाकई में अब हम आयोजन करने के लिए मना नहीं कर रहे, हम विसर्जन के लिए मना कर रहे हैं। हमारे जैसे कृष्ण भगवान जी हैं, उनका जन्मोत्सव मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी को, रामनवमी को राम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, ऐसे ही हम भगवान गणेश जी का
जन्मोत्सव मनाएं। 10 दिन तक एक प्रतिमा लाएं, मिट्टी की नहीं, किसी प्रीओपी की, व्हाइट सीमेंट की नहीं, किसी धातु की लाएं। धातु की लाकर 10 दिन तक उसकी चतुर्दशी तक पूजा करें और चतुर्दशी वाले दिन उसका नगर भ्रमण कराएं, शोभा यात्रा करें और फिर उसके बाद वह प्रतिमा या किसी मंदिर में जहां गणेश जी की प्रतिमा नहीं है वहां पर स्थापित करें। ऐसा भी हो सकता है या जो एक संस्थाएं जो इन कार्यों का आयोजन करती हैं वो संस्था का कोई भी मेंबर उनको रखे और पूरे वर्ष भर तक पूजा करें तो सबको सौभाग्य मिलेगा भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त करने का, सबको मौका मिलेगा गणेश जी की सेवा करने का और तब गणेश जी प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामना को पूरी करेंगे। विसर्जन से नहीं करते, विसर्जन से और उल्टा ही होता है। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप भगवान गणेश जी का विसर्जन ना करें और जो भारत की परंपराएं हैं, जो धार्मिक परंपराएं हैं, जो शास्त्रों के अनुसार बताए हुए नियम हैं उनको आप फॉलो करें, उनको आप अपनाएं, तभी घर में सभी सुख समृद्धि की। हमारे पंडित जी ने उसका कारण विशेष भी मैं आप लोगों से व्यक्तिगत अपनी राय देना चाहता हूँ, क्योंकि आज की डेट में जब से हम देख रहे हैं पश्चिमीकरण की संस्कृति हमारे देश के अंदर प्रवेश ले चुकी है। आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो श्राद्ध भी नहीं जानती है कि उनके पितरों का श्राद्ध होता क्या है। जैसे कि आप लोग, हम लोग हरिद्वार से इस समय वीडियो बना रहे हैं, इसलिए हरिद्वार से पितृ कर्मों का एक तरह से केंद्र मान सकते हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी अभी मृत्यु के उपरांत उनकी अस्थियों का विसर्जन सर्वप्रथम यहीं पर किया गया। तो हम चाहते हैं कि अपनी सनातन जो हमारी संस्कृति है उसको बनाए रखा जाए और हिंदू संस्कृति को पूरे विश्व में लहराने का हम काम करें, स्वामी विवेकानंद जी के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।